वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो में जो कि है फिफ्थ वीडियो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स की। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कलर करेक्शन है वो कैसे करनी है और आपको कलर्स की थोड़ी सी समझ भी हो जाएगी। प्रो लेवल कलर करेक्शन कैसे करने हैं मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, सारे हैक्स बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो है कलर करेक्शन करने का वो सीक्रेट क्या है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के बकचोदी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है एक सैंपल लोड करके रख लिया है अपनी जो इंस्टाग्राम फोटो का था। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ये डोप कंसेप्ट देखने के लिए, जो कि मैं वहाँ पे वीक में दो कंसेप्ट जो है वो एटलीस्ट ट्राई करता हूँ अपलोड करने की। आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरी नॉर्मल फोटो है जो मैंने एडिट की थी। इसमें जस्ट बेसिकली एक बैकग्राउंड चेंज किया है और यहाँ से मैंने ये कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं, ये पोल और फिर लाइटिंग, फिर ये जो ग्लोज हैं, ये जो साइड पे हाइलाइट्स हैं। अगर आपको ये देखना है कि ये हाइलाइट्स मैंने कैसे बनाई हैं तो उस पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, और जो शेडोज़ हैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। और अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे जाकर ये चेक करना है कि जो मास्क है वो कैसे कटआउट करना है या जो बैकग्राउंड है अपनी फोटो का वो कैसे हटाना है, तो उस पर भी एक मैंने डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं ज़रूर से। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इस पर जो कलर करेक्शन थी वो कैसे की थी, वो थी कुछ इस तरीके से। तो देखिएगा इस फोटो जो है वो काफ़ी निखर कर सामने आ रही है। एक और बात, मैं अपनी फोटोज़ हैं उनको टच नहीं करता जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो मेरे को अच्छा नहीं लगता करना। और ये देखो आप कितनी जो सही तरीके से फोटो है वो ऐड हुई हुई है इसमें कलर करेक्शन में। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है वो ब्लैकनेस काफी ज्यादा है, जो है डार्क काफी है, और यहाँ पे जो है वो लाइटिंग जो है काफी ब्राइट है और काफी क्रिस्प है। और वहीं बात करें यहाँ पे जो है वो ब्लर काफी सही लगा हुआ है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कैमरा रॉ फिल्टर AKA लाइट रूम में ही कैसे कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। अब मैं जरा कलर करेक्शन के लेयर को बंद कर देता हूं। और एक डिस्क्लेमर और, ये बिल्कुल ऐसी एग्जैक्ट एडिटिंग नहीं होगी, क्योंकि हर टाइम कलर करेक्शन करने वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ यूनिक चल रहा होता है कि इस कलर को ऐसा कर दें या ऐसा या वैसा। अल्टीमेटली आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो इस तरीके से एडिट नहीं होगी। हाँ, बट मैं ट्राई करूंगा कि इस तरीके का ही कुछ बन जाए। तो आओ गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी लेयर को जो है वो आपको फिल्टर पे जाने के बाद यहां से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। अब वो करने के बाद आप जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आपकी जो लेयर है स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। आपको सिंपली करना है फिल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक कर देना है, और इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट और A। तो ये करने के बाद आप सिंपली आप देख सकते हैं जो लाइट रूम वाले हैं प्रीसेट्स, जो लाइट रूम का लेआउट होता है वैसा ही कुछ आपके सामने खुल चुका है। बस ये थोड़ा ब्लैक होने की जगह थोड़ा ग्रेश सिल्वर टिंट में है। तो उस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए मैं आपको कुछ पहले बेसिक्स बता दूं। ये जो है ये आपके कलर करेक्शन का टैब है, ये जो बेसिक्स है ये कलर करेक्शन है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आपको अपनी फोटो को कलर करेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कलर ग्रेड करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजें जो है मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बेसिक पे जो है वो चीजों को देखना होगा, एडजस्ट करना होगा अपनी फोटो को देखते हुए। अब एकदम से डाइव इन करने की जगह पहले मैं आपको सभी थोड़े थोड़े दिखा दूं। ये जो है ये हमारी टोन कर्व्स हैं, इसमें बेसिकली हाइलाइट्स और शेडोज का ही जो है वो कॉम्बो होता है एडजस्ट करने का। यहाँ पे है डिटेलिंग, इसमें बेसिकली शार्पनिंग होती है, और यहाँ पे है HSL टैब। HSL टैब की फुल फॉर्म क्या है, ह्यू यानी कि कलर्स, सैचुरेशन यानी कि इंटेंसिटी, लुमिनेंस यानी कि ब्राइटनेस। अब जो आगे है स्प्लिट टोनिंग, इसमें है हाइलाइट्स और बेसिकली शेडोज, अगर आपको स्पेसिफिकली उनको कुछ कलर्स देना है। लेंस करेक्शन को मैं बिल्कुल यूज नहीं करता क्योंकि मेरे को नहीं पता इससे क्या होता है। और इफेक्ट्स में मैं जस्ट विनियट यूज करता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद कैलिब्रेशन में जब मेरी फोटो कुछ अच्छी लगने लग जाती है तो मैं हल्के से तुक्के से ट्विक कर देता हूँ, तो जो मेरी फोटो है वो क्रिस्पी सेक्सी क्रिस्पी हो जाती है एकदम। तो गाइस बेसिक में पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी फोटो नीली चाहिए या आपको अपनी फोटो पीली चाहिए। अब नीली और पीली का क्या मतलब है, लेट मी शो यू। आपको आपकी फोटो जो है वो कोल्ड टिंट में चाहिए। यार देखो कितनी ठंड लग रही है इधर फोटो को देखते हुए, कतई फट रही है मेरी, मेरा पंखा बंद है लेकिन मेरी ठंड लग रही है। अब ये देखो, अब जब अगर इसको मैं येलो कर दूं, ओ हो, अगर मैं 10 AC भी अपने सामने रख दूं ना तो भी मेरे को बहुत गर्मी लगेगी, और मैं कतई झुलस रहा हूं इतनी गर्मी लग रही है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है, जो टेम्परेचर है वो
सेट होता है। अब इंट में क्या होता है, इंट में मेरे को घंटा नहीं पता क्या होता है, बस मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ देख के कि मेरे को जो फोटो पर्पल स्टोन में चाहिए या ग्रीन टोन में चाहिए। बेसिकली मैं ब्लू और ग्रीन या ब्लू और ऑरेंज टोन को जो है वो प्रेफर करता हूँ अपनी फोटोज में। उसके बाद गाइज आते हैं एक्सपोजर पे। एक्सपोजर पे ये वो नहीं होता कि कैरी मिनाटी एक्सपोज, कैरी मिनाटी इल्यूमिनाटी एक्सपोज, टाइटल वैसे सही मिल गया वीडियो का, ये वो चीज नहीं है। ये बेसिकली जस्ट एक्सपोजर है जो मैंने आपको लास्ट के कुछ ट्यूटोरियल्स में भी बताया था शायद, कि जो आरजीबी में वाइट कलर होता है ये उसको एनहेंस कर देता है। अगर मैं इसको फुल कर दूं तो ये कंप्लीटली वाइट कर देगा, ग्लो कर देगा, सब कुछ उड़ा देगा डिटेल्स को। और वही अगर मैं ब्लैक कर दूं तो ये सभी सब कुछ चीजों को डार्क कर देगा। तो इसको जस्ट मैं अभी जीरो पे कर देता हूं और फिर से थोड़ा बढ़ा कर देखता हूं। ये फोटो के अगेन ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फोटो अगर डल है तो आप ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, और अगर आपकी फोटो लेट्स सपोज यहां पे है तो मैं चाहूंगा कि यार थोड़ा तो कम कर दे यार, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, साला 100 लाइक मस आएगा। तो मेरे को अब लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जस्ट थोड़ा सा। तो अब आते हैं कंट्रास्ट में। कंट्रास्ट में क्या होता है, बेसिकली ये जो होता है ब्लैक कलर्स की अंदर आपको ये चूज करने में हेल्प करता है कि आपको जो ब्लैक्स है वो एकदम ब्लैक चाहिए, ब्लैक होल जैसा ब्लैक कि जिसमें आप देखें और आपको दिखे ना आप अंधे हो जाएं उस जगह पे देखने में, या फिर आपको ये ग्रे चाहिए कि आपको वो ब्लैक दिखे लेकिन वो ब्लैक ना हो। ओह माय गॉड, वो ब्लैक दिखे वो ब्लैक ना हो एक्सपोज्ड नहीं। ओके सो अब कंट्रास्ट में मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा सा कंट्रास्ट ज्यादा नहीं। अब हाइलाइट्स में क्या होता है, लेट्स से हाइलाइट का जो सोर्स है वो मेरा वो एक ये लाइट बल्ब है, और जो पीछे ये बेसिकली मेरे को काफी जानों ने पूछा अबे चूतिया हो गया क्या है, इसमें क्या डाल रखा है तूने, ये तू ग्लो क्यों कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है। तो इसमें गलती मेरी नहीं है और गलती उनकी भी नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं कुछ ऐसी लाइट्स के आगे खड़ा हूँ जिनके पीछे से ग्लो आना लॉजिकल बनना ही था, जो मेरे को डालना ही पड़ना था। जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी प्लेसमेंट ऐसी जगह पे हुई है कि लोग मेरे को कह रहे हैं साला चूतिया ग्लो डाल रहा है अपने ऊपर, क्या भड़वा है। तो अब हाइलाइट्स को अगर मैं थोड़ा बढ़ाऊं तो ये देखना जो लाइट है वो काफ़ी ग्लो और पॉप करने लग जाएगी। अगर आप देख रहे हो तो इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब जो शेडोज़ है, शेडोज़ जो यहाँ पे है, ये जो शेडोज़ हैं और इसकी जो शेडोज़ हैं लग से, और ये जो पीछे से शेडोज़ हैं ये इनको बूस्ट करेगी। अगर मैं शेडोज़ को बढ़ा देता हूँ तो वो शेडोज़ को वाइट करना शुरू कर देगी, बट वहीं अगर मैं उसको थोड़ा ब्लैक कर दूँ थोड़ा और, तो ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे को। अब जो वाइट है वो तो नाम से ही पता है कि सफ़ेद है, उसमें जो वाइट कलर है उसको बूस्ट करते जाना है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको वाइट एकदम वाइट चाहिए या आपको वाइट थोड़ा ब्लैक वाइट चाहिए। तो ये मेरे को थोड़ा सा वाइट कम चाहिए यहाँ पे। ब्लैक जो है, ब्लैक यहाँ पे बहुत सही काम करता है, अगेन कंट्रास्ट वाला लॉजिक कि आपको ब्लैक ब्लैक चाहिए या ब्लैक ग्रे चाहिए, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक चाहिए। अब टेक्सचर को मैं हमेशा बढ़ा देता हूँ, मज़ा आ जाता है यार। क्लैरिटी को मैं भी बढ़ा ही देता हूँ क्योंकि सेक्सी लगता है। और डी हेज जो होता है, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊँ तो डी हेज बेसिकली होता है कि आपकी फ़ोटो में जो है धुंध टाइप क्रिएट करना। लेट्स से अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये जो है वो ग्रे कंट्रास्ट को रिमूव करता जाएगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये ग्रे कंट्रास्ट को ऐड करता जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ही हल्का सा ही बढ़ाऊंगा, लेट्स से 5। वाइब्रेंस जो आपके कलर होते हैं उसको पॉप करता है या थोड़ा डल करता है। सैचुरेशन जो कलर्स है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, लेट्स से इतना सैचुरेशन चाहिए जैसे रोटी को तल दिया हो और वो पूरी बन गई हो, और ऐसी सैचुरेशन चाहिए जैसे अब सेम आटे को हमने ओवन में बेक कर दिया हो। तो ये बस इसी तरीके का लॉजिक है जो शायद मैंने पता नहीं क्यों कहा लेकिन मेरे को अच्छा लगा कहना। अब उसके बाद अगर मैं टोन्स में हूं तो यहां पे जो है वो हाइलाइट्स और शेडोज, हाइलाइट्स जो शेडोज हैं उनको कंट्रोल करने के काम आता है। लेट्स से मेरे को हाइलाइट्स थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, और जो उसकी लाइटिंग है उसको भी थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि ऑब्वियसली लाइट का सोर्स कम है और पॉप ज्यादा हो रहा है। और डार्क में सेम जो शेडोज हैं या फिर जो डार्क एरियाज हैं उनको थोड़ा सा पॉप करना, और जो शेडोज हैं उनको अगेन कम कर देना हल्का सा, ज्यादा नहीं। और शार्पनेस में आकर यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको जो अपना ऑल्ट है वो क्लिक करके रखना है, ऑल्ट बटन, यहाँ पे ऑल्ट बटन क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और इसको आगे करते जाना है ट्वीक को, स्लाइडर को, और आप देखते जाओ जो कलर वाइट है गाइज उसमें एकदम धासू और रैप्चिक और ऐसे ही दो तीन प्राइवाची शब्द जैसे वर्ड्स की शार्पनेस ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि देखो
शार्पनेस कितनी सही ऐड हो रही है। चाहे मैं पिक्सल चाहे पिक्सल जो है थोड़े पिक्सेलेट कर रहे हैं लेकिन शार्पनेस अपना काम बखूबी कर रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हो क्या गया है। अब रहते हैं HSL टैब की तरफ। ह्यू में पहले जाकर मैं जो मेरी मेन कलर में है ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर और येलो कलर, और ऑब्वियसली इसमें रेड कलर भी है क्योंकि ऑरेंज का वो टिंट है, और इसमें और भी काफी कलर्स हैं जो कि अंधी ह्यूमन आई नहीं देख सकती। तो उसके बाद रेड्स, रेड्स जो हैं यहाँ पे इतने इफेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑरेंज काफी करेंगे। याद से ध्यान में रखना, ऑरेंज जो है वो स्किन कलर होता है, ऑरेंज के साथ मैस नहीं करना ज्यादा वरना लोग कहेंगे ये एलियन कहाँ से आया है साला बड़ा संतरी कलर का। तो येलो के साथ अगर आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ मेरी जो कलर है टी शर्ट का वो चेंज हो रहा है। तो इसको मैं ज़्यादा ना छेड़ते थोड़ा सा येलो करके, ग्रीन इसमें घंटा नहीं है और एक्वा होगा मेरे हिसाब से। यस, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉल, मैं अपनी स्क्रीन पर हाथ लगाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको शायद दिख जाए। ओके, अगर आप एक्वा कलर देख सकते हैं तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब बेसिकली दुनिया में मैंने एक्वा कलर नहीं देखा, सिर्फ मैंने एक बार ही देखा है जो कि पानी का रंग था, वो कहीं हम हिली एरिया में घूमने गए थे वहाँ पे था। अदरवाइज एक्वा कलर को आप अवॉइड कर सकते हैं तो ओके, बिकॉज वो कॉमन कलर नहीं है। इसको मैं थोड़ा ब्लूइश कर दूंगा। अब ये जो ब्लू कलर है ये मेन जो फोटो का थीम है, इसको चेंज करने से काफी फर्क पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा जो आगे कर देता हूँ। तो गाइस ह्यू से हम डन हो चुके हैं। सैचुरेशन में जो है, सैचुरेशन में आपको दिखाता हूँ, अगर मैं येलो की सैचुरेशन हाई कर दूं तो मैं काफी सैचुरेट हो जाऊंगा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा तो नंगा क्योंकि जो मैं अभी ब्लैक एरिया में खड़ा हूं और वहां पे नो चांस लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और वहां पे जो मेरी शेडो है वो अलाउ करेगी कि येलो कलर पॉप हो। तो ग्रीन कलर में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है लेकिन एक्वा कलर में है। एक्वा कलर को मैं थोड़ा सा जो है वो पूरा थोड़ा सा कह के मैं पूरा डिसेचुरेट कर दूंगा। उसके बाद ब्लूज में जो है मैं इसको थोड़ा सा सैचुरेट करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ब्लू कलर जो है लाइट का सोर्स है। देन ल्यूमिनेंस में जाकर पहले तो संतरी कलर को बढ़ाना है, फिर तो येलो कलर को बढ़ाना है, यार गोरा किसको नहीं दिखना अच्छा लगता। फिर उसके बाद ब्लू कलर को है थोड़ा सा बढ़ा देना है और जो ये मेन थीम है इसको बढ़ा देना है, जस्ट बिकॉज हमारा जो लाइट का सोर्स है वो अच्छे से पॉप होना चाहिए और वो करवाना भी है। उसके बाद आगे मैं आपको स्प्लिट टोनिंग पे जाकर दिखाऊंगा, पहले तो सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देनी है हाइलाइट्स की। अब आपको देखना है कि आपको हाइलाइट्स चाहिए किस तरीके से। लेट्स से मेरी जो हाइलाइट्स है वो ब्लू कलर की है तो मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए, बट अगर मेरे को बीच में ट्विक करते करते कहीं पे कुछ पसंद आ गया तो मैं वहां से छोड़ दूंगा, तो मेरे को ये सही लग रहा है। अब सैचुरेशन को कम कर देना है, वो मैं बताता हूँ क्यों। फिर आपको शेडोज की सैचुरेशन बढ़ा देनी है और यहाँ पे देखना है कि क्या सही लगता है। मेरे को थोड़ा सा ग्रीन और ब्लू येलो स्टेंट सही लगा। अब सैचुरेशन को जो है वो 10-10% कर देना दोनों को। अब मेन जो है बैलेंस, देखना है कि आपको कौन सी टोन ज़्यादा पसंद लगती है। लेट्स से मेरे को यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। आप अपनी फोटो के हिसाब से कर सकते हैं कुछ भी जैसा आपको सही लगे। अब आते हैं इफेक्ट्स की तरफ, वही विग्नेट थोड़ा डार्क करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से अंधे ट्विक्स कर दूंगा क्योंकि पता नहीं सेक्सी लगेगा शायद थोड़ी देर में, लग रहा है। और अब जो है मेन ट्रिक और जो मेरी फोटोज का मेन हैक होता है वो क्या है, यहाँ पे ये ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल पे मैं क्लिक करूंगा, मैं सबसे पहले चार जगह पे ग्रेडियंट बनाऊंगा, एक ऊपर से नीचे जहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, एक नीचे से ऊपर जहां से लाइट वापस आ रही है। वेट, फर्स्ट लेट मी डिलीट दिस। फोटोशॉप में जो आपने पहले से किया होता है वही सेटिंग्स जो है सेव रह जाती हैं, तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप पहले से ही वो सब करें। आप जस्ट सिंपली जीरो कर दें सभी वैल्यूज को। तो ये आ गाइस, जीरो करने के बाद ये पता नहीं फिर भी क्यों इतना ओके। तो गाइस जीरो करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैंने एक उधर से ग्रेडियंट ऐड किया है जहां से मेरी लाइट ट्रेवल कर रही है। अब मैं उधर को करूंगा जहां को मेरी लाइट जाते जाते खत्म हो रही है। अब एक लेफ्ट से राइट से और एक लेफ्ट से, तो जस्ट सिंपली सबसे पहले आपको किसको चूज करना है जहां से आपकी लाइट आ रही है। अब वहां पे आपको फिर अगेन आपकी जो कलर की टोन होगी, जो मेरी अगेन ब्लू है फोटो की, मैं उसको थोड़ा सा ब्लू कर दूंगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं क्योंकि काफी फर्क पड़ेगा। देन एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम कर दूंगा, हाईलाइट्स को हल्का सा बढ़ाऊंगा, शेडोज को हल्का सा बढ़ाऊंगा, व्हाइट्स को बढ़ाऊंगा, और ब्लैक में जो है आपको देखना है कि आपके जो ब्लैक है वो बिल्कुल ब्लैक ना हो, आपको उसको ग्रेइश लुक देनी है क्योंकि ऑब्वियसली जब लाइट जो है ट्रेवल करती है तो वो एक पॉप देकर जाती है, पॉप इन द सेंस कि वो ग्रे कलर जो है वो छोड़ कर जाती है, उसमें से ग्रे कलर इमिट हो रहा होता है। देन उसके बाद आपको टेक्सचर पे चेक करना है, टेक्सचर को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, क्लैरिटी बढ़ानी है और डीहेज जो है वो भी बढ़ानी है, कम करनी है। अब उसके बाद आपको वो वाला सिलेक्ट करना है जहाँ से आपकी जो लाइट है
वो जाते जाते फेड कर रही है। ये ट्रिक जो है वो लाइट रूम मोबाइल वालों के लिए भी है, बहुत अच्छे से देख लें आप। अगर ये देख लेंगे तो आपकी फोटो काफी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इसमें मेरे को थोड़ा सा येलो चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ब्लू कलर की जो है वो इंटेंसिटी फेड हो रही है। एक्सपोजर मैं कम करूंगा, जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, हाईलाइट्स कम कर दूंगा, शेडोज थोड़ी सी कम करूंगा, व्हाइट्स कम कर दूंगा, अब ब्लैक अगेन ब्लैक भी कम कर दूंगा, टेक्सचर जो है वो उसको काफी कम कर दूंगा, क्लैरिटी जो है उसको काफी कम कर दूंगा, डीहेज है उसको काफी कम बढ़ा दूंगा, और सैचुरेशन है उसको भी थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि लाइट नहीं है, सैचुरेशन कहां से होगी। अब आते हैं साइड वाले टैब्स की तरफ। अब आपको देखना है कि आपकी जो इमेज है वो क्या साइड्स में लाइट ट्रैवल करवा रही है। अब लेट्स से जो मेरी राइट कलर की साइड है वहां से कुछ घंटा नहीं लाइट ट्रैवल कर रही, तो अगेन इसको मैं कम कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा दूंगा, हाईलाइट्स कम, शेडोज कम, ये कम, बेबी फकिंग कम ऑन मी, लेकिन ब्लैक है जो मैं उसको बढ़ाऊंगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि अच्छा लग रहा है, और जो टेक्सचर है उसको भी कम कर दूंगा, क्लैरिटी को कम कर दूंगा, और जो मेरी लेफ्ट साइड है उसको अगेन उसमें थोड़ा सा एक्सपोजर ऐड करूंगा, कॉन्ट्रास्ट कम करूंगा, हाईलाइट्स बढ़ाऊंगा, शेडोज बढ़ाऊंगा, व्हाइट्स बढ़ाऊंगा, ब्लैक बढ़ाऊंगा, और जो टेक्सचर और क्लैरिटी है उसको मैं कम करूंगा। आर यू गाइज लिसनिंग टू मी? काफी घटिया हो गया इसको थोड़ा सा जैसे, तो गाइज अब मैं सिंपली ओके कर दूंगा और आप देखना कितना फर्क पड़ गया है। तो आप देख सकते हो कितना फर्क पड़ चुका है। अगर मैं आपको क्विक बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो मेरे को ये काफी सही लग रही है फोटो एडिट की हुई। अब जो मेरी पहले से की हुई फोटो थी उसमें क्या था, तब मेरा माइंडसेट ऐसा था कि ब्लूज बहुत ज्यादा है, इस टाइम मैंने ब्लूज पे फोकस किया। अगर जो मेरी पहले वाली आप फोटो देखेंगे तो वो कुछ ऐसी थी, उसमें मैंने ब्लूज को हटाया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने ब्लूज काफ़ी ऐड किए हुए हैं। तो ये अगेन कम्प्लीटली आपकी जो है पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी फोटो चाहिए। अगेन इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको क्या करना पसंद है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको जो फोटो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो गाइज मेरे को लगता है कि आपको जो कलर करेक्शन है उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पता लग गया होगा। मैंने काफ़ी ही ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। तो या गाइज यहीं पे इस वीडियो करते हैं एंड ये थी मेरी फिफ्थ और लास्ट वीडियो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स में से। मेरे को कहते हुए बहुत दुख लग रहा है कि इसके बाद जो है ये सीरीज बंद हो जाए और ये सीरीज फिर कभी नहीं वापस आएगी। तो अगर आपको ये सुन गया हो तो इसी के साथ वीडियो की जो है वो आउटरो प्ले करते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ta ra 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 na na ta na na